शुरुआत करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 68वां जन्मदिन मनाने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। वो अपना जन्मदिन वहां बच्चों और बनारस के लोगों के बीच मना रहे हैं। इस दौरान वो काशीवासियों को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर नई परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही शहर में चल रहे कई प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने वाले हैं। पहली बार अपना जन्मदिन वाराणसी मनाने आ रहे पीएम मोदी का ये दौरा बेहद खास है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने अंतरिक्ष केंद्र में ब्रिटेन के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह नोवा एसएआर और S14 का प्रक्षेपण किया और कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। नोवा एसएआर का इस्तेमाल वन्य मानचित्रण, भू उपयोग और बर्फ की राह की निगरानी, बाढ़ और आपदा निगरानी के लिए किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर इसरो के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि ये प्रतिस्पर्धी अंतरिक्ष कारोबार में भारत के महासामर्थ्य को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी के 68वें जन्मदिन पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूं। तमाम राजनीतिज्ञों सहित बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। राहुल गांधी के पूजा पाठ के बाद भोपाल में रोड शो की शुरुआत करने पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कटाक्ष किया है और कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नए नए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इससे उनकी पोल खुलती जाती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कभी तिलक लगा लेंगे, कभी टोपी पहन लेंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे श्रद्धा के केंद्र हैं, सियासत के केंद्र नहीं हैं और देश में तिलक और टोपी की राजनीति नहीं चलने वाली है। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उनकी नीतियाँ क्या हैं, उनके कार्यक्रम क्या हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद कमलनाथ ने कहा कि मैंने बीजेपी के नेताओं को विधानसभा चुनाव में टिकट देने की बात नहीं की है। मैंने केवल इतना कहा था कि बीजेपी के 30 विधायक मुझसे मिलने आए थे और मैं ये नहीं कह सकता कि बीजेपी विधायकों ने मुझसे संपर्क क्यों किया। कमलनाथ ने अपने एक बयान में कहा था कि राज्य की कुल 230 विधानसभा सीटों के टिकट के लिए कांग्रेस के सांसद करीब 2500 लोगों से अपनी दावेदारी जताई है, जिनमें 70 बीजेपी के और 30 मौजूदा विधायक शामिल हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत पाक सीमा पर देश की पहली स्मार्ट फेंस प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की। इसके तहत लेजर से लैस बैरियर बनाए जाएंगे और इनमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि सीमा पर संवेदनशील क्षेत्रों की चौकसी बढ़ाई जा सके। इसमें 5-5 किलोमीटर के 2 खंड होंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महत्वाकांक्षी परियोजना के उद्घाटन के लिए सिंह एक दिवसीय दौरे के हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर में एक अग्रिम क्षेत्र की यात्रा करेंगे। सपा में हाशिए पर ढकेले जाने के कारण पिछले दिनों समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बनाने वाले शिवपाल सिंह यादव की पार्टी का झंडा भी लॉन्च हो गया है। पहली बार सामने आए शिवपाल सिंह के झंडे में लाल, पीले और हरे रंग की धारियां सामने आई हैं। एक ओर शिवपाल यादव और दूसरी ओर मुलायम सिंह यादव की तस्वीर भी लगी हुई है। शिवपाल सिंह यादव ने अपने बड़े भाई और सपा के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए उन्हें प्रस्ताव दिया है। इस झंडे पर लगी मुलायम सिंह यादव की तस्वीर में समाजवादी पार्टी और यादव परिवार में सरगर्मियां बढ़ सकती हैं। राजधानी में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एनजीटी की ओर से जारी किए गए ऑड एंड इवन सहित सभी निर्देशों में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों के लिए ऑड एंड इवन स्कीम लागू होने के दौरान महिलाओं को भी दो पहिया वाहनों में छूट दी है। दिल्ली सरकार की ओर से न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा गया था कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऑड एंड इवन योजना लागू होने के दौरान छूट मिलनी चाहिए। योग गुरु बाबा रामदेव ने आगाह किया है कि देश भर में महंगाई पर अगर जल्द से जल्द काबू नहीं किया गया तो अगले साल के चुनाव के लिए मोदी सरकार के लिए ये महंगा साबित होगा। रामदेव ने ये भी कहा कि वो 2019 के लिए बीजेपी के पक्ष में प्रचार नहीं करेंगे, जैसे कि 2014 में चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में सक्रियता से प्रचार किया था। साथ ही कहा कि कई लोग मोदी सरकार की नीतियों की सराहना करते हैं, लेकिन उसमें अब सुधार की आवश्यकता है और मोदी जी को शीघ्र से शीघ्र सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। SIT ने हरियाणा के एक बोर्ड टॉपर के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 3 मुख्य आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। SIT प्रमुख नाजमीन भसीन ने कहा कि निशु को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही अन्य 2 मुख्य आरोपी पंकज और मनीष की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब तक हुए इस मामले में 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पीड़िता का 12 सितम्बर को अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।
राणा प्रताप सिंह की खबर के मुताबिक केंद्र में मोदी सरकार सेना के जवानों के सम्मान को लेकर खासा सख्त है, मगर सूबे की योगी पुलिस सेना के जवानों पर बेरहमी से लाठियां बरसा रही है। बलिया में फेफना थाने के पिकेट पर एक ट्रांसफर पर ब्रेक जर्नी पर अपने पैतृक गांव आगा आर्मी के जवान को पुलिस के पिकेट के सामने ही अपनी कार खड़े करने का खामियाजा भुगतना पड़ा और उस पर चार पुलिस ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए और सड़क पर सैकड़ों लोगों के सामने जमकर लाठियों से पीट पीट कर उसकी जूरी तरह घायल कर दिया, जो कि लाइव तस्वीरें आप इस खुली पोल गवाही में देख सकते हैं। मुझे पकड़ लिए, फिर मुझे डंडे से मारने लगे। आपने बताया नहीं कि आप आर्मी के जवान? मैं बताया आर्मी का मैं जवान हूँ भाई। हाँ। मैं फौज में रहता हूँ, मेरी गाड़ी है डिफेंस आर्मी लिखा हुआ इस पे। हाँ। बोला माधर चोर बहन जो, मुझे गाली से सख्त नफरत है सर। हाँ। गाली इतनी स्टेशन, आज पुलिस स्टेशन में भी माँ बहन इतनी गाली दे रहे थे। अब मैं बस अकेले था इसलिए बर्दाश्त के बाहर हो रहा था, मजबूरी थी। ठीक है, आप तो धरती माँ की रक्षा करते हैं और माँ की गाली सही भी नहीं सुन सकते, सही किसी की नहीं सुन सकते सर। मैं ट्रेन में भी अगर मैं सफर कर रहा हूँ, अगला किसी ने अगर किसी के साथ छिड़कानी किया तो मैं झगड़ा कर लेता हूँ तुरंत। किसी लेडीज को भी अगर किसी ने तंग किया, फौज में रहता हूँ मैं सर, मेरे सेफ्टी काम अगले की रक्षा करना। इसमें पुलिस द्वारा नहीं मारा पीटा गया है, वो शराब पी के स्वयं ही सिपाहियों से बदतमीजी कर रहा था, तो उसी संदर्भ में अभियोग भी दर्ज है और उसको उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मंजीत सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक फिरोजपुर का जैन समाज सभा में मध्य प्रदेश के भोपाल से आए हुए विनय जैन वरमपंथी ने प्रेस वार्ता में गो रक्षा के बारे में देशवासियों को बहुत ही महत्वपूर्ण बातों से आग्रह किया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में गाय के गोबर से लकड़ी तैयार की जाती है, जो कि एक मशीन द्वारा तैयार कर उसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे प्रदूषण में भी बचा जा सकता है और पेड़ कटने से भी बच सकते हैं। जैन समाज का जो पर्यूषण पर्व चल रहा है, उस पर्यूषण पर्व के आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आया हुआ हूँ, लेकिन मेरी अपनी रुचि गौरक्षा और गौसंवर्धन के कार्यों में है। देश भर में भ्रमण करके मैंने गौरक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देने का प्रयास किया है। इसी तारतम्य में मुझे ऐसा लगा कि पंजाब के में जो गौरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं या यहाँ पर गाय की जो स्थिति है, जैसा बार बार ये बात आ रही है उठ करके कि सड़कों पर आवारा पशु आवारा मवेशी बैठे हुए हैं, इनके संरक्षण के लिए कोई प्रयास होना चाहिए। तो मुझे लगा कि जो कार्य मध्य प्रदेश में हो रहे हैं समाज और सरकार के संयुक्त प्रयासों से, वो पंजाब में भी किए जाने चाहिए। यहाँ जो खाली भूखंड पड़ा हुआ है उनमें गौ संरक्षण के लिए कुछ विशेष अभियान चला करके और विशेष कोई प्रोजेक्ट लाए जाने चाहिए। गाय को आधार बना करके ऊर्जा का उत्पादन है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को संचालित करना है, जो वाहन आदि का संचालन है, ईंधन की समस्या है, इनकी सब की पूर्ति गोबर के माध्यम से की जा सकती है। राणा प्रताप सिंह की खबर के मुताबिक यूपी के बलिया में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए विजेंद्र सिंह के प्रथम शहादत दिवस पर उनके पैतृक गांव बासडीह के नारायणपुर गांव में श्रद्धांजलि देने पहुंचे सूबे में मंत्री उपेंद्र तिवारी और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी। आज पहली बार विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी सर्जिकल स्ट्राइक से चंद्रशेखर रावण तक के रिहाई फैसले पर मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आए। दिवस में लोग मनाने आए हैं, जो कोई भी सौर दिवस मनावे, शहीद दिवस मनावे, स्वागत योग्य है, उसको मनाना चाहिए। ये तो सैनिक सम्मान की बात है, सेना में जो हमारे भाई बेटा शहीद हो रहे हैं उनके सम्मान की बात है। अब जब मनाया जाएगा तो देखा जाएगा। सर आमंत्रित कर लोग जाएंगे तो अपने घर मना लेंगे। लेकिन सर आईएसआई चीफ मंत्री जी अभी अभी चंद्रशेखर रावण को रिहा किया गया, आप उसको समय से पहले उनको रिहा कर देगा, किस तरह से आप उसको देखेंगे, क्यों? पॉलिटिकल आदमी है, रिहा कर दिया गया, सरकार की बढ़िया काम है, रिहा कर दिया। उस पर एनएसए की कार्रवाई हुई थी, उसके बाद भी समय से पहले एनएसए सरकार लगाती है, जो चाहे उसको हटा सकती है, तोड़ सकती है। निजामुद्दीन राजन की खबर के अनुसार पीलीभीत में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर रिश्ता टूटने की सामाजिक रूप से शिकार हुई युवती ने अपना सुसाइड नोट में ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराते हुए फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। सूचना पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस ने पंचनामा भरकर पीएमओ भेज दिया है। वहीं मृतका के परिजनों को दी गई तहरीर के आधार पर सदर कोतवाली पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। काफी दिन से परेशान चल रही थी, कोर्ट के जरिए चक्कर लगाते लगाते उसका कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी, उसे न्याय नहीं मिल रहा था।
वो बहुत परेशान थी, डिप्रेशन में रहती थी, मैं उसे हमेशा समझाती रहती थी, हमेशा बार बार धमकियां मिलती थी उसको कि तू क्यों जी रही है, तुझे तो मर जाना चाहिए, तेरी शादी टूट चुकी है तो क्यों रह रही है। उसके वहां से ससुराल वाले फोन करते थे उसको, कहते थे तेरा कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है क्या, तेरी शादी टूट चुकी है, तू क्यों जीना है, कम से कम 1-1.5 साल हो चुका है। मैं साई धाम मोहल्ले में एक जो है महिला ने सुसाइड कर लिया है, उसकी शादी तय हुई थी। शादी तय होने के बाद जो है वर पक्ष वालों ने उसको इनकार कर दिया था, जिस पर उसकी तहरीर प्राप्त हुई थी और उसकी तहरीर पर मुकदमा लिखा गया था जिसकी विवेचना चल रही थी। इसी से क्षुब्ध होकर के उसने जो है आज सुसाइड कर लिया है। उसकी तहरीर पर फिर 306 के अभियोग उनके ऊपर लिखा जा रहा है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टीवी के सबसे विवादित शो बिग बॉस सीजन 12 का आगाज हो चुका है। 3.5 महीने तक चलने वाले इस शो की शुरुआत सलमान खान ने की। बिग बॉस के घर में बारी बारी से सभी कंटेस्टेंट की एंट्री हुई, लेकिन शो पर हंगामा तब मच गया जब 65 साल के भजन गायक अनूप जलोटा ने अपनी जोड़ीदार जसलीन माथुर के साथ बिग बॉस के घर में प्रवेश किया। 28 साल की जसलीन जलोटा से 37 साल छोटी है, दोनों फिलहाल रिलेशनशिप में है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, देखते रहिए A1 News TV।